मैं हूं महेश प्रसाद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.2 पढ़ा, जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर लिखा। आज हम लोग 1.3 में पढ़ेंगे कि कोई परिमेय संख्या है तो उसका हम दशमलव प्रसार जब करते हैं तो वह किस प्रकार का प्रसार है। तो जिसमें प्रसार मुख्य रूप से मैं आपके सामने पहले से ही लिख रहा हूँ, लिख चुका हूँ, सीमित या शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और दूसरा है अनुसारी, अनुसारी आवर्ती, अनुसारी आवर्ती या असीमित या अशांत दशमलव, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले शांत दशमलव पर हम लोग चर्चा करेंगे। शांत दशमलव किसको कहते हैं? जब हम अंश में हर से भाग देते हैं तो कुछ चरण के बाद में, कुछ दशमलव के कुछ अंकों तक भाग देने के बाद में अंत हो जाता है उसका, यानी शेष पर जीरो प्राप्त हो जाता है, तो वह सात दशमलव है। जैसे कि यहाँ पर 7/8 है, तो हम क्या करेंगे, अंश में 7 में 8 से भाग देंगे, भाग दी जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो आ गया। 7 9 63, 8 से पढ़ेंगे, 8 5 64, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 64, 0 में 4 घटेगा, 10 में 4 घटाएंगे, 6 और 6 में 6 घटेगा, 0, पॉइंट कटाए 0 और उतार सकते हैं, 8 7 56, 0 में 6 नहीं घटेगा, 10 में 6 घटाएंगे, 4 ये 0, फिर दशमलव का 0 और ले सकते हैं, 8 5 40, इस तरह से शेष पर क्या प्राप्त हो गया, 0। तो दशमलव के बाद 3 चरण में इसका अंत हो गया तो यह शांत दशमलव हो गया। आगे और यहाँ पर है 36/100, 36 में हम 100 से भाग देंगे, दशमलव लगाए, 0 आ गया, 100 किया 300, 0 6 यहाँ 0 हो गया, दशमलव लगाए, 0 ले लिए, 100 6 600। तो देखिए 2 चरण के बाद में इसका अंत हो गया, पूरा पूरा भाग चला गया। जब पूरा पूरा भाग चला जाए यानी शेष पर 0 आ जाए तो जान जाए शांत दशमलव है या सीमित दशमलव है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अनुसारी आवृत्ति क्या है, असीमित दशमलव या अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इसी का ठीक विपरीत, यानी कि हम जब अंश में हर से भाग देते हैं तो चरण का अंत नहीं होता, यानी भाग जारी रहता है और दशमलव के बाद कई अंक आते जाते हैं और शेषफल भी खत्म नहीं होता है। तो यह प्रक्रिया जब होगी तो उसको हम अशांत दशमलव कहेंगे या अनुसारी आवृत्ति कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने 1/3, अगर हम 1 में 3 से भाग देते, अंश में ही हर से भाग देना है तो 1 चूंकि छोटा है 3 से, नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 आ गया, 3 3 9, 1 आ गया, दशमलव लगाया, 0, 3 3 9, 1 आया, दशमलव लगाया, 3 3 9। आप समझ रहे होंगे हर बार भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है और भाग आ रहा है, हर बार 3 3 बार जा रहा है, तो यह भाग की क्रिया कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो जब कहते हैं आसान दशमलव, इसका वैल्यू 0.333 डॉट खत्म नहीं हो रहा है। जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है हम क्या करते हैं, उसी अंक पर बार लगा देते हैं, यानी कि यह असीमित है और 3 बार बार आएगा। एक और एग्जांपल आपके सामने 1/7, 1 में हम 7 से भाग दे रहे हैं, नहीं भाग रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 आ गया, 7 7 7, दशमलव 7 घटाएंगे, दशमलव लगा दिए, दशमलव लगा दें और 0 ले लिए, 7 6 28, 2 आ गया, दशमलव लगा 0, 1 बार दशमलव लगाते हैं, 1 बार 0 लगा सकते हैं, 7 9 14, 6 आ गया, दशमलव लगा 0, 60 हो गया, 7 8 56 हो गया, 4 आ गया, 7 8 56 हो गया, 10 में 6 घटाएंगे, 4, दशमलव लगा 0, 7 5 35, और यहाँ देखिए 5 आ गया, दशमलव लगा 0, 7 7 49, 1 आ गया, दशमलव लगा 0, 7 1 7, 3 3 7 8, आप समझ लें, दशमलव 1 4 2 5 8 7, फिर 1 4 आ गया, यानी कि खत्म नहीं होगा। और इसके भाग में आप देखें 0.1 4 2 8 5 7, इसके बाद फिर 1 4 आ गया, यानी उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। क्योंकि आप समझ गए होंगे कि शेषफल हर बार कुछ ना कुछ बचेगा और ये इस तरह से ये भाग की क्रिया खत्म नहीं होने वाली है, अनंत चरण तक चलने वाली है। इस प्रकार के परिमेय संख्याओं को हम अशांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता।
आप अपने बुक में देख सकते हैं 1.3 जो चैप्टर है, इसमें पहला पोर्शन जो है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम पहले जिसे भिन्न दिया है इसको दशमलव रूप में बदल दिए हैं, और बदलने के बाद जब शेष पर जीरो आ गया तो शांत कह देंगे, और बदलने के बाद जब शेष पर भरपार बढ़ता रहेगा तो उसको अशांत कहेंगे। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको मैंने बताया शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो जिन संख्याओं का निरूपण शांत दशमलव या अशांत दशमलव होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपने 1/7, 32/8, 36/100 ऐसा है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अनावसानी अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिक्रीमेंट, यानी कि वह संख्या जिसका हम जब दशमलव निरूपण करें तो पहली बात तो अनंत तक भाग जाए, शेषफल हमेशा बढ़ता जाए। यह चीज आपने अनावसानी आवर्ती को पढ़ा, आवर्ती यानी दोहराए कोई अंक दोहराया जाए, और अनावर्ती का मतलब अंकों की पुनरावृत्ति ना। पिछले बार आपने 1/3 को बनाया तो 3 3 3 बार आ रहा था, और 1/7 को बनाया तो उसमें 1 4 5 8 7 ऐसा करके बार बार आ रहा था। यहाँ पर देख लीजिए कोई क्रमागत अंकों की पुनरावृत्ति कहीं पर आपको नहीं मिल रही है, ना पाई के मान में कहीं भी पुनरावृत्ति मिल रही है। इसलिए ऐसे संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण करें और दशमलव के अनंत तक जाए और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की आवर्ती ना हो, तो उसको हम अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। तो अब इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा आसान आवर्ती दशमलव को b/q के रूप में व्यक्त करना कैसे व्यक्त करेंगे। एनसीईआरटी में 1.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 यही मिलने वाला है। जैसे कि क्वेश्चन है 0.6 ये चीज है, जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है दशमलव के बाद में वही अशांत आवर्ती होता है। अब इसको हमें p/q के रूप में बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं। पहली बात तो आप जानते हैं कि जैसे 0.5 इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, इसको अगर परिमेय में बदलना है p/q तो क्या करते हैं, दशमलव के बाद एक अंक तो 10 का इसमें गुणा करेंगे, 10 का नीचे भी गुणा करेंगे, और 10 का 50 में गुणा होगा, 50 एक स्थान पर दशमलव लगेगा, 5/10 ये हो जाएगा। 0.36 है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 का इसमें गुणा करेंगे, 100 नीचे भी, ये हो जाएगा 36/100। इस तरह से दशमलव संख्याओं को यानी शांत दशमलव को आप परिमेय में बदल देंगे। अब अशांत दशमलव को परिमेय में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए क्या करते हैं। अगर यहाँ आपको पता है 6 की पुनरावृत्ति बार बार होगी, इसको अगर मैं लिखूँ तो 0.6666 खत्म नहीं होने वाला है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको x बराबर हम लिख दिए, x बराबर 0.666 समीकरण नंबर 1 इसको 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर। अब क्या करते हैं, अगर दशमलव के बाद में आप देख रहे हैं 1 अंक पर पुनरावृत्ति हो रही है तो अब हम 10 का गुणा कर देंगे इस समीकरण में, अगर 2 अंक पर पुनरावृत्ति होगी तो 100 का गुणा कर देंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 का गुणा करेंगे 10x होगा, और 10 का गुणा करेंगे सबको पता है जब 10 या 100 किसी का गुणा करते हैं तो जो दशमलव के बाद वाला अंक होगा पहले आ जाएगा, तो 1 6 पहले आ जाएगा, 6 10 2 6 6 6 ये खत्म नहीं होने वाला समीकरण नंबर, इसको क्या लिख लेते हैं 2। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर तो 10x में घटाएंगे आपको कितना मिलेगा 9x बराबर पॉइंट पर आते हैं 6 6 6 ना ये खत्म होने वाला ना ये खत्म होने वाला, तो इधर वाला 0 हो गया, 6 में 0 घटाएंगे 6 आपको मिल जाएगा, x बराबर 6/9। आप चाहे तो इसको छोटा करें या ना करें, मैं कर दे रहा हूँ 3 2 6 3 3 का तो x बराबर 2/3 या बताइए p/q के रूप में मिल गया कि नहीं, p/q तो अभी तक आपने दशमलव के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति ही हो रही थी उसको मैंने बताया 0.6 को बताया। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि इस तरह की अगर दशमलव संख्याएं हो यानी 0.235 दो की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो जब दो अंकों की पुनरावृत्ति हो एक की पुनरावृत्ति ना हो
जो अगर पूरे की पुनरावृत्ति होती तो हम 1000 से गुणा करते, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो पहले इस अंक को देखकर के 10 के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो हम 10 का गुणा करते हैं। पहले इसको हम समीकरण बना लेते हैं। मान लेते हैं माना x = 0.235353535 खत्म नहीं होने वाला समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं है इसके लिए हम 10 का गुणा करते हैं। समीकरण देखेंगे, यहां करेंगे पूरा। इसमें समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 का जब हम गुणा करेंगे 10x होगा और 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा 2.353535 नहीं खत्म होने वाला है समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान। अब ऐसा करने से यानी कि यह पुनरावृत्ति का चिन्ह इस पर भी आ गया, तीनों अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी। अब क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में दसवां के बाद 3 अंक है यानी हम 1000 से गुणा करेंगे। दसवां के बाद 1 अंक रहेगा तो 10, 2 है तो 100, 3 है तो 1000, इस तरह से आगे चलेंगे। तो समीकरण अब किसमें गुणा करेंगे, समीकरण 1 में हम 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 x, 1000 का गुणा करेंगे 3 अंक आगे आएगा यानी 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5 तो खत्म होने वाला नहीं है। 3, 5, 3, 5, 3, 5 ये हो गया समीकरण नंबर, क्या बन गया 3। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। अगर आप मिस कर रहे हो कि समीकरण 3 में 1 घटाए तो 2 का कोई मतलब ही नहीं है। समीकरण 3 से समीकरण 2 घटाने पर तो 1000 x में 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 990 x, 10.35 ही घट गया 0 हो गया। 235 में आप 2 घटाएंगे तो 233 मिलेगा। अब x बराबर क्या हो गया 233 बटे 990 हो गया। आप देखिए इसको हमने किस रूप में बना दिया, p बटे q के रूप में। तो इस तरह से आसान आवर्ती दशमलव को आप आसानी से p बटे q के रूप में बना सकते हैं। मेरे वीडियो